Good morning to everybody. Pay attention. Now I am going to teach you history, class 9, chapter number 2. And headline of the chapter is Socialism in Europe and Russian Revolution. And lecture number 2 है. इसके पहले हमने लेक्चर नंबर 1 दिया था, आज लेक्चर नंबर 2 पढ़ाएंगे. सेकेंड चैप्टर का लेक्चर 2. पे अटेंशन एवरीबॉडी, ओपन योर बुक्स, कीप इन फ्रंट ऑफ यू पेज नंबर 26 एंड पॉइंट नंबर 1.2. एवरीबॉडी ओपन योर बुक्स, पे अटेंशन. नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू. इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंजेस यूरोपियन कंट्री में. आप जानते हैं कि मिडिल ऑफ द 18th सेंचुरी में इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुआ. इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्टेड इन द मिडिल ऑफ 18th सेंचुरी इन यूरोपियन कंट्री. सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल इंग्लैंड में शुरू हुआ और इंग्लैंड से इटली, जर्मनी वगैरह 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 कंट्री में. सबसे लास्ट में रशिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ और 19th सेंचुरी में इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ था. नाउ तो यूरोपीय इंडस्ट्रियलाइजेशन ने कैसे हमारे समाज के लोगों को, घर में बैठने वाले, घर में खेतों में काम करने वाले लोगों को फैक्ट्री तक कैसे पहुंचाया, इसको हम देखेंगे कि घर में और खेतों में काम करने वाले लोगों को, पुरुषों को, महिलाओं को, बच्चों को इंडस्ट्री ने कैसे अपने क्षेत्र में बुला लिया. इंडस्ट्रियलाइजेशन ब्रॉट सो मेनी चेंजेस इन सोसाइटी ऑफ यूरोप. यूरोप के समाज में बहुत सारा मूल परिवर्तन लाया औद्योगिकरण ने. इंडस्ट्रियलाइजेशन ब्रॉट मेन, वोमेन एंड चिल्ड्रेन टू फैक्ट्री. हमने कहा था ना, जो लोग पहले सोसाइटी में इंडस्ट्रियलाइजेशन के पहले जो लोग घरों में काम करने वाले, खेतों में काम करने वाले, घरों में काम करने वाली महिलाएं थी, खेतों में काम करने वाले पुरुष समाज था, बच्चे घर में पढ़ाई लिखाई का काम करते थे. इंडस्ट्रियलाइजेशन आते आते इंडस्ट्रियलाइजेशन ब्रॉट सो मेनी पीपुल इन द फैक्ट्री, लाइक मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रेन केम इन द फैक्ट्री. सेकेंड, वर्क आवर्स वेयर लॉन्ग बट वेजेज वेयर पुअर. इंडस्ट्रियलाइजेशन का स्टार्ट हुआ लेकिन इसी इंडस्ट्री में काम करने के जो काम के घंटे थे अधिक थे और मजदूरी बहुत पुअर थी, बहुत कम थी मजदूरी, जिससे मजदूरों की स्थिति नहीं सुधर रही थी. यानी मजदूर दिन प्रतिदिन गरीब होते जा रहे थे और कैपिटलिस्ट लोग, उद्योगपति लोग दिन प्रतिदिन धनी होते जा रहे थे. सेकेंड थर्ड प्वाइंट, अनएम्प्लॉयमेंट वाज कॉमन. जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गया तो हाथ का काम मशीन ले लिया. जो लोग हाथ से काम करते थे वे मशीन ले लिया, इसलिए अनएम्प्लॉयमेंट कॉमन बन गया. यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन ने अनएम्प्लॉयमेंट कॉमन कर दिया एंड हाउसिंग एंड सैनिटेशन में आर मेनली प्रोग्राम. घर की समस्या और स्वच्छता की समस्या इंडस्ट्रियलाइजेशन ने पैदा कर दिया, क्योंकि सो मेनी सिटी एंड सो मेनी टाउन्स आल्सो इमर्ज आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन. इंडस्ट्रियलाइजेशन आने पर बड़े बड़े शहरों और बड़े बड़े नगरों का विकास हुआ, जिससे गांव की संख्या भी इंडस्ट्री में काम करने के लिए शहर में आने लगी और वहां की आबादी काफी बढ़ गई, जिससे हाउसिंग का प्रॉब्लम हो गया और स्वच्छता का प्रॉब्लम हो गया. जहां जनसंख्या बढ़ती है वहां स्वच्छता की कमी हो जाती है. नेक्स्ट, लिबरल्स एंड रेडिकल्स बिगेन टू सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स बिकॉज देवेयर प्रॉपर्टी ऑनर्स, इट मीन्स इंडस्ट्रियलिस्ट एज वेल एज एम्प्लॉयर्स. उस समय इंडस्ट्रियलाइजेशन चल रहा था तो उसके मालिक यानी लिबरल के, धनी वर्ग के लोग थे, रेडिकल क्लास के लोग ही उसके
प्रॉपर्टी के मालिक भी थे और उसमें काम करने वाले इम्प्लॉय भी थे। सिक्स्थ, सम रिवॉल्यूशनरीज केम टू फॉरवर्ड टू एबॉलिश द ओल्ड डायनेस्टी सिस्टम विच वॉज इस्टाब्लिश इन 1815 बाय द वियना कॉन्फ्रेंस। आप जानते हैं कि फ्रांस का सम्राट नेपोलियन बोनापार्ट जब ऑस्ट्रिया हंगरी पर्सिया को हरा दिया था, रशिया को भी हरा दिया था, तो उसके बाद इंग्लैंड ने इन तीनों के साथ मिलकर नेपोलियन बोनापार्ट को पराजित किया वाटरलू के युद्ध में 1815 में। और 1815 में जब वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन बोनापार्ट हार गया तो उसके अगेंस्ट में कॉन्फ्रेंस बुलाई गई वियना, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। और उस कॉन्फ्रेंस में पुनः पुराने विचार को ही रखा गया, डायनेस्टी सिस्टम को कामू किया गया और वह ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटर्निख के नेतृत्व में डायनेस्टी सिस्टम फिर स्टार्ट हुआ था। नहीं तो इसको पुनः इस डायनेस्टी सिस्टम को कुछ ऐसे क्रांतिकारी लोग जो थे जो नहीं चाहते थे और 1815 की डायनेस्टी सिस्टम को समाप्त करना चाहते थे। नेक्स्ट पेटरसन पेज नंबर 80 निकालिए, 28 पेज निकालिए और 28 पेज में आप देखेंगे 1.3 होगा, हेडलाइन इसका होगा द कमिंग ऑफ द सोशलिज्म टू यूरोप, यूरोप में समाजवाद कैसे आया। तो कार्ल मार्क्स कैसे समाजवादी, कार्ल मार्क्स आप जानते हैं जर्मनी का समाजवाद का प्रवर्तक था। तो कार्ल मार्क्स ऐसे समाजवादी लोगों का जन्म हुआ और वे आगे आए समाजवाद के माध्यम से एक डायनेस्टी सिस्टम को, मोनार्की सिस्टम को समाप्त करना चाहते थे ये लोग, क्योंकि ये लोग रिवोल्यूशनरी थे। बाय मिड ए 19th सेंचुरी सोशलिज्म इमर्ज इन यूरोप, 19th सेंचुरी के मध्य में जो समाजवाद था यूरोप में प्रवेश किया और इसका आगमन हुआ। सोशलिस्ट बिगेन टू अपोज द प्राइवेट प्रॉपर्टी, समाजवादी लोग जो थे प्राइवेट प्रॉपर्टी निजी संपत्ति का विरोध करना शुरू किया। उन लोगों का कहना था कि प्राइवेट प्रॉपर्टी इन द रूट ऑफ द ऑल इविल्स, समाज में जितनी भी बुराइयां हैं सभी बुराइयों का जड़ प्राइवेट प्रॉपर्टी है और जो प्राइवेट प्रॉपर्टी का रूट है, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है रूट ऑफ द इविल्स है, सारी बुराइयों की जड़ है। क्योंकि प्राइवेट प्रॉपर्टी वाले लोग अपनी इंडस्ट्री चलाकर अपना जो प्रॉफिट कमाते हैं और वह प्रॉफिट जो प्रोडक्शन लेबर क्लास का लोग करता है उसको नहीं देखा, अपने हित में अपना कल्याण करते हैं, मजदूरों का कल्याण नहीं करते हैं और वह लालच का घर बन जाता है। इसलिए प्राइवेट प्रॉपर्टी को समाप्त कर देना चाहिए, समाजवादियों की एक धारणा थी। इसलिए रशिया में जो लेनिन के नेतृत्व में समाजवादी रिवॉल्यूशन हुआ, बोल्शेविक रिवॉल्यूशन हुआ, उसमें समाजवाद रहा 100 वर्षों तक। रशिया में समाजवादी व्यवस्था रही, दुनिया का पहला देश रशिया था जहां समाजवाद कायम रहा 100 वर्षों तक। कार्ल मार्क्स वाज ए ग्रेट सोशलिस्ट, कार्ल मार्क्स जो जर्मनी का था, हीगल का चेला था, हीगल का शिष्य था, वह समाजवादी, बहुत ग्रेट समाजवादी था। ही फेवर्ड वर्कर्स, वह मजदूरों का मसीहा कहा जाता था, क्योंकि उसकी जितने भी थेसिस है, जितने भी विचार है वर्कर्स के पक्ष में ही है। ही गेव स्लोगन वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट टुगेदर एंड ओवरथ्रो द कैपिटलिस्ट। कार्ल मार्क्स कहता था कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ और पूंजीपति लोगों को समाप्त कर दो, पूंजीपतियों को वहां से हटाकर कंपनी के मालिक तुम बन जाओ, व्यक्ति के मालिक तुम बन जाओ। नेक्स्ट रेस्ट नेक्स्ट डे ओके। एक नोट है, इस पर ध्यान दीजिएगा। आस्क एनी प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम आपको इस संबंधित से आता है, हिस्ट्री में कोई भी प्रॉब्लम आपको आ रहा है तो इस मोबाइल से, मेरे मोबाइल नंबर लिखा हुआ है 98 528 61 562 पर आप
आस्किंग कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम बिना हिचक के आप मुझसे पूछ सकते हैं और उसका जवाब प्रॉपर जवाब आपको मिल जाएगा। घर बैठे आप आराम से उसको याद करेंगे।